आज गांव इशाकपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक सुभाष सुधा और हरविंदर कल्याण साथ ही नायब सैनी पधारे। जनसंवाद कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों के बीच में बैठकर उनकी गांव में चल रही समस्याओं को जाने और उनके समाधान पर निर्णायक फैसले ले और साथ ही भाजपा सरकार द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में जागरूकता जन जन तक पहुंचाएं ताकि गांव की जनता भाजपा जैसी एक अच्छी सरकार चुनने में फैसला ले सके। नर्सिंग कॉलेज आपके यहां पर श्री राम में हुए जहां से मेरे भाई डीपी चौधरी जी वहां से इसी तरह एक यूनिवर्सिटी आयुष्टी फतेहपुर गांव में 550 करोड़ रुपया उसका पास हो गया और टेंडर लग गया, बहुत जल्दी उसका काम हो रहा है। रोड का अभी रोड 7 से 10 मीटर बहुत सी चीजें अमंडू का चक्कर रू पार्क अमंडूपुर में वहां बनाया तो बहुत चीजें अभी कहेंगे। हमारे यहाँ क्रिमस के अंदर बेटियां कहाँ पढ़ती थी, एक जोर के नीचे पढ़ती थी, आज बेटियों का हमने स्कूल बनाया वहां पे 5 करोड़ रुपये मिला करके। इसका हॉस्पिटल हमारे क्या हालात थे, हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड का गंदा हॉस्पिटल था, आज 200 बेड का हॉस्पिटल हमने बनवाया, 100 बेड का बन चुका है, 100 बेड का एक ही हॉस्पिटल बन रहा है। इसके साथ साथ वीएलडी कॉलेज अंधवानी में लेके आए, ब्रह्मशो का सस्ता पानी, ज्योति सरकार सस्ता पानी, बहुत सी चीजें आज 2 लीटर 100 हमने ज्योति सर में लगाए, बहुत बड़ा इस्तीफा किया। अगर मैं गिराने लगूं तो मैं कहूंगा बहुत समय लग जाएगा। योजना है चाहे आयुष्मान योजना है, उसमें सुधार करते हुए और उसका विस्तार करते हुए उन्होंने चिरायु योजना और आवास योजना हर गरीब को मिले उसके लिए परिवार पहचान पत्र, ये प्रक्रिया चलाकर गरीब परिवारों की पहचान करने का काम किया। वो काम चला हुआ है, उसमें कुछ कमियां हैं उनको ठीक करने में सरकार लगी हुई है। इसी प्रकार से हमारे इलाके में बहुत विकास हुआ। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम का यही मकसद है कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव से जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, चाहे वो विकास के नाते लोगों की डिमांड है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, किसी योजना में लोगों को लाभ लेने में दिक्कत हो रही है वो भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होना चाहिए। इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, जिसके अंदर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी हर गांव में जाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों द्वारा दिए हुए काम, ये डिमांड, ये समस्याएं सरकार के पास जाएंगी,